शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 8, ऊ और ऊ की मात्रा, ओ का ज्ञान। आज हम देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, उसका उच्चार कैसे किया जाता है, यहाँ आज हम जानेंगे। देखिए, पहला है स आ की मात्रा, ब उ की मात्रा, न साबुन। साबुन यानी आपको मालूम है आप नहाते समय क्या करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हाथ साबुन से हाथ धोना चाहिए। दूसरा प उ की मात्रा, ल फूल। देखिए आप यहाँ चित्र है, फूल पे क्या हो रहा है, वाहन आना जाना कर रही है, फूल पे एक बस गुजर रही है, निकल जा रही है। तीसरा ध न उ की मात्रा, श धनुष। धनुष आपने देखा ही है, यहाँ पे चित्र है धनुष का। दूसरा ब उ की मात्रा, न बुन। बुन यानी हम बुनते हैं, बुनना जैसे कि माँ प्याज बुन रही है, माँ स्वेटर बुन रही है, इसका यह मतलब है। दूसरा स उ की मात्रा, न सुन। जब भी माँ कुछ काम कहती है, पाठशाला में गुरुजी कुछ कहते हैं, वहाँ हम क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, सुनना। आगे देखिए च उ की मात्रा, न चुन। हमें अच्छी तरह से जो भी हमें अच्छा है वही हम क्या करते हैं, चुन के लेते हैं, चुनना चाहिए। कि आपके घर में कुछ बड़े बड़े फल लेके आए, हम चुनते हैं ना कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं, वैसे ही हम ज्ञान चुन के क्या करना है, संग्रह करना है। देखिए ध उ की मात्रा, न धुन। देखिए जब भी गाना लगता है उसका धुन आपको बहुत अच्छा लगता है, वही यह धुन है। नेक्स्ट ग उ की मात्रा, न गुण। हमारे हमेशा अच्छी गुण रखनी चाहिए, हमारे गुण से ही क्या होते हैं, अधिक से स्नेह बढ़ते हैं, दोस्ती ज़्यादा होता है, गुण अच्छा है तो सब अच्छा है। देखिए ग उ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ब गुलाब। गुलाब आपने देखा है फूल है, हर रंग के गुलाब होते हैं। दूसरा ज उ की मात्रा, र आ की मात्रा, ब जुराब। देखिए जुराब यानी यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, एक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जुराब कहते हैं। दूसरा ब उ की मात्रा, ख आ की मात्रा, र बुखार। जब भी हम तबीयत खराब होती है, बुखार आती है, तभी कैसा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बुखार। और प उ की मात्रा, क आ की मात्रा, र पुकार। जब भी हम खेलते रहते हैं, हमारे मित्र का नाम हम पुकारते हैं। ग उ की मात्रा, ट न आ की मात्रा, घुटना। घुटनों में दादाजी के बहुत दर्द है, दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द है। दूसरा क उ की मात्रा, च कुछ। कुछ घर में काम करना चाहिए, मम्मी को मदद करनी चाहिए। ग उ की मात्रा, म गुम। मेरा पेंसिल आज गुम हो गया। ग उ की मात्रा, ड गुड़। गुड़ खाने में बहुत मीठा लगता है। ग उ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ब गुलाब। और एक बार आया गुलाब, गुलाब हर रंग के होते हैं। स उ की मात्रा, ब आ की मात्रा, सुबह। सुबह सूरज जल्दी निकलता है, सुबह हम जल्दी उठना चाहिए, सुबह हम थोड़ा पढ़ना चाहिए। स उ की मात्रा, ल ह सुलह। जब भी कोई एक दूसरे के कुछ झगड़े होते हैं तो हमें उसे सुलझना चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए, उधर ही ख़त्म करना चाहिए। दूसरा स उ की मात्रा, ध आ की मात्रा, र सुधार।
हमें हमारे काम में सुधार लानी चाहिए, हमें पढ़ने में और ज़्यादा सुधार लानी चाहिए, और ज़्यादा पढ़नी चाहिए। म ध उ की मात्रा र मधुर। देखिए मधुर यहाँ पे बहुत ही क्या है, जब भी कोयल गाता है तो उसका आवाज़ कैसा है, बहुत मधुर है, मीठा है। दूसरा क उ की मात्रा र स ई की मात्रा कुर्सी, हम कुर्सी पे बैठते हैं। क उ की मात्रा ई की मात्रा ट य आ की मात्रा कुटिया। देखिए कुटिया में कौन है, कुटिया में एक बिल्ली है, कुटिया यानी छोटा सा घर, कुटिया। च उ की मात्रा ट ई की मात्रा चुटिया, य आ की मात्रा चुटिया। देखिए चुटिया, चुटिया यानी हम कभी भी छुटिया पे क्या करते हैं, गांव जाते हैं, चुटिया ओ छुटिया, ये चुटिया यानी चुटिया हम निकालते हैं ना, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, भाई बहन से चुटिया निकालते हैं। दूसरा प उ की मात्रा ई की मात्रा ड य आ की मात्रा पुड़िया, पुड़िया जब भी हम दुकान जाते हैं तो दुकानदार हमें पुड़िया में बांध के सामान देता है। ग उ की मात्रा ई की मात्रा ड य आ की मात्रा गुड़िया, गुड़िया क्या है, मेरे पास बहुत अच्छी गुड़िया है। कछुआ, कछुआ पानी में रहता है। सुपारी, सुपारी, सुपारी दादी क्या करती है, सुपारी पान सुपारी खाती है। सुहारी, सुहारी कितनी सुहारी लड़की है ये, सुहारी। दूसरा पुजारी, पुजारी मंदिर में पूजा करते रहता है। दुलारी, मेरी बहन बहुत दुलारी है, प्यारी है। कुमारी, देखिए जब बालिका को क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं। काबुल, काबुल, काबुल यहाँ एक शहर का नाम है, बहुत लोग वहाँ पे शहर जाते हैं, मुस्लिम्स लोग जाते हैं काबुल में जाके भगवान का दर्शन करके आते हैं। आगे देखिए शुभ सुबह हुई, शुभ शुभम सुबह हुई, शुभम को कह रहे हैं सुबह हुई। मुख साफ करो, मुख साफ करो यानी मुख धो लो। फुलवारी जा, फुलवारी यानी पानी गिरने वाला स्थान, फुलवारी जा। कुछ गुलाब ला, फुलवारी, फुल फुलवारी यहाँ पे है एक फुलवारी, पानी गिरता रहता है और वहाँ पे फूल ज़्यादा बेचते रहते। कुछ गुलाब ला मीन्स कुछ गुलाब क्या करो, वहाँ से लेकर आओ। सुमन कुसुम आई, देखो सुमन यहाँ एक लड़की का नाम है, सुमन और कुसुम क्या हुए, आए हैं। सुबह शुभम बुलबुल का गाना सुन, शुभम यहाँ एक लड़के का नाम है, बुलबुल यहाँ एक पक्षी का नाम है, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। बुलबुल का मधुर मधुर गीत सुन, देखो बुलबुल कैसे गाती है, बहुत मधुर से गाती है, वो उसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत मीठा होता है, उससे आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। बुलबुल आ दाना चुनकर जा, बुलबुल क्या करो तुम आके दाना चुनकर यानी खा के जाओ। एक कुसुम बुलबुल मत उड़ा, कुसुम क्या कर रही है, बुलबुल को उड़ा रहे हैं, क्यों, वहाँ तंग कर रही है एक चिड़िया को। दयालु बन, देखो हमें हमेशा प्राणियों पे दया दिखाना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। शुभ काम कर, देखो शुभ काम यानी अच्छे काम करना चाहिए। बच्चों आप भी अपने जीवन में अच्छे काम अपना लो, हमेशा अच्छे काम करो और सबसे अच्छा बनो। बच्चों यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी, आप भी इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़कर याद कीजिए। और मैं आपको अगले हफ्ते और दोबारा मिलूंगी एक नया अध्याय के साथ। धन्यवाद।